अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बी आर फैमिली ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले मैं आपसे कहती हूँ, मेरे चेहरे को ना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तैयार हुई हूँ, तो मैं कहीं पर जा नहीं रही। लेकिन कुछ मैंने ना बेस और फाउंडेशन लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करती हूँ वो कैसी है चीज़ें। अगर अच्छा ये लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन निकला तो मैं आपको भी दिखाऊँगी, आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी व्यूअर्स, अभी मैं आपको जो है घर दिखाने वाली हूँ, अपनी मम्मा का जो नया घर लिया है इसका मैं होम टूर आपको देने वाली हूँ। पिछले घर का भी दिया था, इस वाले घर का ये, लेकिन उससे ज़्यादा ये वाला घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो भी बहुत अच्छा था। कुछ आपको डिपेंड करता है अपने ऊपर भी कि आप कैसा रखते हैं अपने घर को। तो मेरी मम्मा है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करें, इनको अवॉइड कीजिएगा। तो जो मेरी मम्मा है, वैसे भी वो माशाल्लाह अपना घर बहुत अच्छा सा सजा के रखती हैं, डेकोरेशन वगैरह करके रखती हैं, और इस घर को भी थोड़ा बहुत उन्होंने अभी थोड़ा बहुत डेकोरेट किया हुआ है। कुछ अभी रहता है सेटिंग वगैरह करना, जो भी है अभी वो ईद से पहले पहले या ईद पर वो कर लेंगी। तो और बस मुझे ना थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का यहाँ पर आके भी, बस बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे तंग कर रही हैं, और मेरी जो तानिया है वो भी थोड़ी सी बीमार हो गई है, तो कुछ वो अपने बाबा को मिस करती है, इस वजह से जो है वो बीमार हो गई है। तो अभी बस बहुत जल्द मैं लाहौर भी जाने वाली हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कब जाना है। अभी बिल्कुल जो है फ़ाइनल नहीं हो रहा कि हमने ईद से पहले जाना है या ईद के बाद जाना है। तो मैं जैसे भी होगा मेरी तैयारी दोबारा जाने की, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं आपके साथ अपनी हर एक जो है लाइफ में जो भी होता है वो आपके साथ शेयर करूं। आप मेरी बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली है, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो चुपके चुपके ऐसे ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है मेरी वीडियो को जो है ऐसे मत देखें, सब्सक्राइब कर दें। तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलो अभी ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपनी मम्मा का प्यारा सा घर, वीडियो के साथ रहिए जी। तो व्यूअर्स, ये है सबसे पहले रूम, और ये रूम फ़िलहाल तो मेरा है, मेरे जाने के बाद तो दूसरी सिस्टर का हो जाएगा जो भी आएंगी यहाँ पर रहने के लिए। तो ये रूम है कुछ ऐसा, अभी थोड़ी सी जो है सेटअप वगैरह और भी हमने करना है, मतलब मेरे जाने के बाद मेरी मम्मा करेंगी। ये चरपाई यहाँ पर रखी हुई है, इधर झूला ये लगा, मैंने जो है झूला यहाँ पर बांधा हुआ है, क्योंकि मेरी तानिया झूले के अलावा नहीं सोती। तो जी ये है अटैच बाथरूम, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी जी। तो ये है अटैच बाथरूम, ठीक है। और ये माशाल्लाह से सीनरियाँ यहाँ पर कमरे में लगाई हुई हैं, वैसे तो कोई गेस्ट आ जाए ना तो वो भी यहाँ पर ही स्टे करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा कमरा जी। तो व्यूअर्स, यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में, ये देखिए जी, ये है हमारा दूसरा रूम, ठीक है। और यहाँ पर भी जी चरपाई रखी हुई है, इस पर भी झूला बांधा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर ये से कबर्ड बने हुए हैं, और इस कमरे में भी जो है ऐसी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और मैंने तो सुना है भी लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस लाहौर भी मैंने चले जाना है, हफ्ते की जो है मेरी टिकट है और चल जाना है। ये थोड़ा सा मेरे कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो जी ये ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये है तीसरा रूम, और ये है टीवी लॉन्च, ठीक है। यहाँ पर फ्रिज है, यहाँ पर हमने जो है चेयर्स वगैरह लगाई हैं, यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, बच्चों को यहीं पे बिठा के खिलाते हैं, क्योंकि कमरे में फिर बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। तो यहाँ पर भी जी ये देखिए आप, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाती हूँ चौथा रूम। और हाँ जी, मैं बता दूँ आपको, ये देखें यहाँ से पहले पर भी ऐसी डेकोरेट की हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हम जाते हैं चौथे वाले कमरे में जी। तो व्यूअर्स, ये है हमारा जो चौथा रूम, ठीक है। और यहाँ पर ये भी गेस्ट के लिए ही हमने जो है बनाया हुआ है, मेरी मम्मा ने, वो देखो तानिया, हाय तानिया, ठीक है। ये रूम जो है चौथा रूम है हमारा,
अभी मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट रूम। तो यहाँ पर जी ये हमने थोड़े से मम्मा ने फूल रखे हुए हैं और ये गमले जी पड़े हुए हैं यहाँ पर फ्लावर्स, जो उस घर में भी अच्छे से लगे हुए थे इसके फ्लावर, लेकिन वहाँ से जब आए ना तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो गई इनकी हालत, क्योंकि वहाँ पर दो तीन दिन उस घर में ही पड़े रहे थे तो वहाँ पर पानी नहीं मिला। आपको पता है फिर ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें अगर इनको पानी ना मिले। अभी इसके साथ ही हमारा जो फाइनल रूम ये वाला है, ठीक है ये देखें, पहले मैं लाइट जला लूँ इस कमरे की। यहाँ पर भी ये पिंक वाले हमने अभी पर्दे लगाया हूँ मैं पिंक, और ये तो मेरे बच्चे नहीं रहने देते सही, मेरी मम्मा सारा दिन बेचारी काम करती रहती हैं लेकिन मेरे बच्चों का काम एक ही है गन ढालना। और ये देखें पीछे 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 मेरे, और ये मेरे बैग अभी रेडी हो गए जाने के लिए, मतलब पैकिंग वगैरह मैं कर रही हूँ कल जो जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने चले जाना है, ठीक है। और अभी यहाँ पर जी एंट्री होती है हमारे घर की, पहले तो एंट्री दिखानी चाहिए थी लेकिन जैसे भी मुझसे बनी मैंने बना दी वीडियो। और ये ऊपर जो है हमारी छत, तो ये बालकनी बनी हुई है, यहाँ से हम जो है देख सकते हैं बाहर, और ये हमारा मेन गेट है। तो यहाँ पर ये देखेंगे सामने वाला जो है बंगलो, मुझे बहुत पसंद आया माशाल्लाह, बहुत प्यारा बनाया हुआ इन्होंने। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी दे ऐसा, मुझे माशाल्लाह ये बहुत पसंद आया इनका रूम, ये जो घर है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। तो ये है किचन, ठीक है किचन है, और दूसरा हमारा रास्ता ये भी घर का है, यहाँ से भी तशरीफ कोई लेकर आ सकता है मेहमान वगैरह, यानी कि एक तो सबसे पहले हमारा जो घर का रास्ता पड़ता है ना ये यहीं पर से ज़्यादा आता है, यानी कि आना जो होता है ना लोगों का वो यहीं से ही आते हैं, गेस्ट हो गए और जो है सिस्टर्स वगैरह मेरी यहीं से ज़्यादा आती हैं। वो वाला दूसरा है, वो वाला जो है रास्ता वहाँ से बहुत कम लोग आते हैं तो ज़्यादा तो इधर से ही आते हैं क्योंकि ये पास पड़ता है, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है रास्ता। तो जी व्यूअर्स, हाँ जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जैसी भी बनी है प्लीज़ आप इसको फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसे कैसे आपके लिए व्लॉग्स लेकर आऊँ। तो बस अभी मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।